देपालपुर में दीपावली के दूसरे दिन इंदौर के गौतमपुरा में परंपरागत हिंगोट युद्ध का आयोजन किया गया। रोमांचकारी हिंगोट युद्ध में तुर्रा और कलगी दल के योद्धाओं ने अग्नि बाण से एक दूसरे पर हमला किया और इस हमले में 38 लोग घायल हुए हैं। एक गंभीर को इंदौर रेफर किया गया है। इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर गौतम में जलती बांस की किमची लिए बड़नगर रोड के देवनारायण मंदिर पहुंच गए और एक दूसरे पर अग्नि बाण फेंकने की शुरुआत हो गई। दोनों छोर से योद्धाओं ने एक दूसरे पर जलते हिंगोट फेंकते हुए शुरू कर दिए। करीब सवा घंटे तक चले युद्ध के दौरान जलता तीर लगने से कुछ 38 लोग झुलस गए। इसमें से एक को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया, लेकिन इन सब के बीच उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी। जैसे ही अंधेरा हुआ युद्ध समाप्त कर दिया गया। इस युद्ध को देखने इंदौर सांसद शंकर लाल वानी, स्थानीय विधायक विशाल पटेल, पूर्व विधायक मनोज पटेल समेत कई जन प्रतिनिधि भी पहुंचे। आकर्षण का केंद्र तो हिंगोट ही होते हैं। हिंगोट का युद्ध लड़ते हैं वो युद्ध और योद्धा ही रहते हैं, वही आज सब देख जाते हैं, तो आज भी आकर्षण का केंद्र है। दशहरे से पहले सर हिंगोट का युद्ध की तैयारी हम पड़वा के दिन होती है, तो इसके पहले हम हिंगोट एक हिंगोरिया नाम का ये गाड़ होता है उससे हम तोड़ के लाते हैं और उसमें हम 20 या 21 बार वो हाथ में आता है, फल हम तारते हैं, बारूद भरते हैं, बनाते हैं, कोयला ये वो सब और उसकी तैयारी करते हैं। हमारे पिताजी और उनके पहले से ये चली आ रही है परम्परा और हम ये तैयारी करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन पड़वा का दिन रहता है और तुर्रा और कलंगी के नाम से ये हमारी दो पार्टी है, रुंजी और गौतमपुरा, और लड़ते हैं। का बहुत बढ़िया प्रशासन का बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है। मामा हूँ कलगी दल के 19 साल के युवा योद्धा वीरता का कहना है ये परंपरा हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, ये हमारे धरोहर है जिसमें जो धरोहर के बाद रोमांच आता है ये अन्य किसी खेल में आता होगा। इस हिंगोट युद्ध में 7 गए लोग घायल होते हैं। 2017 में तो कई बार इस परंपरा को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी लोग इस खतरनाक खेल को खेलने से नहीं चूकते हैं। तुर्रा दल के प्रमुख 90 साल के मानसिंह पहलवान आज भी इस युद्ध को लेकर युवाओं के समान जोश से भरे रहते हैं। बल लगाया गया, एम्बुलेंस की संख्या और फायर ब्रिगेड गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई गई और पहली बार इंदौर से वज्र वाहन भी बुलाया गया। लेकिन कैजुअल्टी नहीं रुकी। गौतमपुरा के SDOP राजकुमार राय का कहना है कि हमारी प्राथमिकता है कोई आम आदमी घायल न हो, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं।
न्यायालय में भी एक याचिका प्रचलित है, लेकिन जिस प्रकार से पारंपरिक रूप से यहाँ पे हिंगोट युद्ध का आयोजन होता रहा है, उसमें सुरक्षा के लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो या कोई भी दर्शक हो, उसको किसी भी प्रकार की चोट ना लगे, इसके लिए हम लोगों ने विशेष एहतियात बरते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि तीन स्तर पर हम लोगों ने बैरिकेडिंग की है, और यदि किसी को किसी प्रकार की चोट लगती है तो उसको इलाज मुहैया कराए जाने के लिए एम्बुलेंस की संख्या हमने बढ़ाई है, और एम्बुलेंस में पूरी व्यवस्था, संसाधन और डॉक्टर सहित है कि यहीं पे हम उनको ट्रीटमेंट भी देंगे, और यदि कोई ज्यादा घायल होता है तो स्थानीय स्तर पे गौतमपुरा अस्पताल में हमने व्यवस्था की है, और अगर कोई ज्यादा घायल व्यक्ति होता है तो उन्हें हम लोग MYH तुरंत भेजेंगे, ये पूरी व्यवस्था हम लोगों की है। कि गौतमपुरा में ये पड़वा के दिन परंपरागत रूप से हिंगोट युद्ध का आयोजन होता है, और हर साल काफी संख्या में घायल व्यक्ति इसमें होते हैं। प्रशासन का ये नजरिया रहता है या उसकी सोच हमारी जो रहती है वो ये रहती है कि हम इसकी कैजुअलिटी को या इसकी घायल होने के जो रेशो है उसको कितना कम कर सकते हैं। तो सुरक्षा के इंतजाम इस बार हमने पिछली बार से भी ज्यादा अच्छे किए हैं। इस बार SDM साहब ने उसको रसीद लेकर के और हमने दूसरे विभागों का सहयोग लेकर के इस बार तीन लेयर में हमने जो है बैरिकेडिंग कराई है, और बैरिकेडिंग लगभग 8 फीट ऊंची हमने कराई है ताकि कोई जो दर्शक है दर्शक को किसी को न लगे। दूसरी हमने सुरक्षा का किया है कि कोई इलीगल रूप से बाजार में हिंगोट बेचता हुआ नहीं मिले, उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाइयां की हैं। इस बार गत वर्ष की तुलना में लगभग 2.5 गुना हमने पुलिस बल इस बार बुलाया है और व्यवस्था में लगाया है, और एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई गई है, फायर ब्रिगेड की संख्या भी बढ़ाई गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार हमारा वज्र वाहन हमने पहली बार बुलाया है इंदौर से, तो इस तरह से हमने काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हमने अपनी तरफ से किया है, और हमारी कोशिश यही है कि आम दर्शक, आम आदमी कोई घायल ना हो, और जो खिलाड़ी हैं वो भी घायल होने से बचे, यही हमारा प्रयास है। बहरहाल ये रोमांचक खेल देश भर ही नहीं संभवतः पूरी दुनिया में सिर्फ गौतमपुरा में ही होता है। इसका हुनर भी सिर्फ गौतमपुरा के लोगों को ही मिला है। यही कारण है कि यह खेल दूर दराज के दर्शकों को लुभाता है। इसका रोमांच भी भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच की तरह ही होता है। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। की बात है, ले लो, हमारे गांव की परंपरा है, हमको भी पता नहीं है कब से चली आ रही है, पर परंपरा के हिसाब से हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, परिवार के लोग भी सभी ऊपर, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं हूँ, मेरे भैया है, हमको ऐसा मतलब गर्व जैसा लगता है, हमारे गांव की परंपरा है तो बहुत अच्छा है। पर जैसे अपन परंपरा के हिसाब से चलाते हैं, इंगोट अगर सही फेंकोगे तो किसी को चोट हानि नहीं होगी, उसमें उतरना नहीं चाहिए। उनको क्या करते हैं, वो शराब पी के फिर पब्लिक में फेंकते हैं, उससे घायल ज्यादा होते हैं। क्या नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र गुरु, धर्मेंद्र गुरु है, गौतमपुरा, मैं इंगोट मैदान में रहता हूँ। एक बार आता है, ये परंपरा है हमारी, इसको निभा रहे हैं। पहचान है? नहीं, नॉर्मली आती है, इतनी नहीं आती है, नॉर्मली लगती है। ऐसे हमारे पास ढाल रहता है तो कवर करने के लिए पूरा। कोई 2 या 3 साल हो गए इनको खेलते करते, अच्छा फील होता है। क्या है कि परंपरा दल से प्रशासन की तरफ से कोई प्रशासन और नगर परिषद बहुत व्यवस्था। मेरा आकाश गोस्वामी, गौतमपुरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।